नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तेज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 23 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु। दुनिया भर में कोरोना से 7 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा। देश भर में कोरोना के अब 1,41,511 एक्टिव केस। देश भर में अब तक 66 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। लोकसभा में आज नहीं होगा प्रश्नकाल, धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। पीएम मोदी लोकसभा में देंगे जवाब। पीएम के बाद राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आज। पीएम मोदी करेंगे वीसी के जरिए उद्घाटन। 2 दिन तक विश्व में सतत विकास को लेकर होगी चर्चा। चमोली में जारी जिंदगी बचाने की जंग। तपोवन की सुरंग से लोगों को निकालने में जुटी टीमें। ग्लेशियर से निकले सैलाब ने ली 32 लोगों की जान। अब तक 150 से ज्यादा लोग लापता। तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर डटे हैं किसान। सहारनपुर में किसान महापंचायत का आयोजन। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल मिश्र के अभिभाषण से हुई शुरुआत। राज्यपाल ने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना। मिश्र ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उठा कृषि कानूनों का मुद्दा। हालांकि शोकाभिव्यक्ति के बाद कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। अभिभाषण के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक। आगामी दिनों में होने वाले कामकाज की रूपरेखा हुई तैयार। 24 फरवरी को सीएम गहलोत करेंगे राजस्थान का बजट पेश। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बजट सत्र पर होगा मंथन। सीएम आवास पर होगी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का दौरा। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। पदाधिकारियों से करेंगे मंथन। पेट्रोल और डीजल के दामों ने निकाला उपभोक्ता का दम। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल पहुंचा प्रति लीटर 93.98 रुपए पर। डीजल पहुंचा 85.95 रुपए प्रति लीटर पर। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने की सीएम गहलोत से मुलाकात। आरसीए के विभिन्न मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। बरकतुल्ला खान स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए बजट की रखी मांग। यूपी के बांदा में मामूली विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। 3 लोग हुए घायल। घायलों को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में भाइयों ने किया अपने ही भाई पर हमला। पति को बचाने आई पत्नी को भी पीट कर किया घायल। पीड़िता के पुत्र ने चाचा समेत 4 लोगों पर लगाया आरोप। आगरा में शराब के नशे में पड़े लेखपाल का वीडियो वायरल। फतेहाबाद तहसील में तैनात बताया जा रहा है लेखपाल। लेखपाल की हरकत ने विभाग को किया शर्मसार। यूपी के कन्नौज में गोली लगने से दिव्यांग किशोर की मृत्यु। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। मेरठ में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर पर लगी गोली। शहर में लूट की योजना बना रहे थे तीनों बदमाश। यूपी के मुरादाबाद में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। शराब के नशे में धुत था पुलिसकर्मी। बुजुर्ग को पीटने के बाद भीड़ हुई थी शराब पुलिसकर्मी पर गुस्सा। शराब माफिया के हमले में शहीद सिपाही के घर पर मचा कोहराम। कासगंज में शराब माफियाओं ने किया था हमला। परिजनों समेत पूरे गांव में शोक की लहर। यूपी के जालौन में मदारीपुर में खेतों में मिला युवक का शव। चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के महोबा में गंदगी का आलम। नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा सफाई पर ध्यान। स्वच्छ भारत अभियान की उड़ी धज्जियां। एमपी के रायसेन में आरके गोल्डन फैक्ट्री सील। पॉम ऑयल और बेकरी उत्पाद के लिए लिए गए नमूने। रायसेन में खाद्य विभाग कर रहा है छापेमारी। एमपी के रायसेन में किन्नर समाज ने दी राम मंदिर निर्माण के लिए राशि। मंदिर निर्माण के लिए किया 2,51,000 रुपए का योगदान। जिले में अभी तक 75 लाख की राशि हुई एकत्रित। टोंक में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली 2 मासूमों की जान। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हादसे का शिकार दोनों बच्चे हैं सगे भाई बहन।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में पिता ने ली अपने ही चार बच्चों की जान, खुद ने भी फांसी लगाकर दी अपनी जान। डूंगला पानी गांव की घटना। नागौर के खींसर में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई पिकअप, हादसे में चार की मौत, दो घायल। हनुमानगढ़ के रावतसर में इंदिरा गांधी नहर में गिरी कार, चार लोग सवार थे कार में, चारों की मृत्यु। सांगरिया के कुलचंद्र गांव की घटना। राजसमंद के नादवारा क्षेत्र में घोड़ाघाटी ब्रिज पर डंपर ने मारी कंटेनर को टक्कर, हादसे में डंपर का खलासी गंभीर घायल, घायल युवक का इलाज जारी। कोटा के रामगंज मंडी फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने बाबू पाया समेत तीनों हमलावरों को किया गिरफ्तार, जिला सरसंघचालक दीपक शाह को मारी थी गोली। कोटा के उद्योग नगर इलाके में सनसनीखेज वारदात, बदमाशों ने घर में घुसकर की महिला की हत्या, पुलिस कर रही है हत्यारे की तलाश। नागौर के पादुकला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बजरी खनन करने वालों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने चार डंपर किए जब्त, सात गिरफ्तार। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस को मिली सफलता, अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, एमपी के खेड़ा नारायणपुरा से किया गिरफ्तार। जालौर के रानीवाड़ा में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी जीप, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, तीन घायल। बीकानेर में स्वच्छ बीकाना स्वस्थ बीकाना अभियान की शुरुआत, लोगों को किया स्वच्छता के लिए जागरूक, अभियान की शुरुआत जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से की गई। अलवर में गहराया पेयजल संकट, वार्ड नंबर 10 की महिलाओं ने जताया रोष, समस्या को लेकर डीएम ने की अधिकारियों से चर्चा। भरतपुर के पहाड़ी में हथकड़ शराब बनाने वालों पर कार्रवाई, 2000 लीटर वॉश को किया नष्ट, एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर और क्रूजर की आपस में भिड़ंत, क्रूजर सवार करीब एक दर्जन लोग घायल। राजसिंह नगर के समेजा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका ने शोरूम किया सीज, बिना भू परिवर्तन स्वीकृति के बनाया था शोरूम, नगर पालिका के आला अधिकारी रहे उपस्थित। पाली के सुमेरपुर में नेशनल हाईवे 62 पर पलटा गैस से भरा टैंकर, 5 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे को करवाया बंद, प्रशासनिक अमला मौके पर। बीकानेर के कोलायत में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का प्रयास, विवाहिता के पति ने करवाया मामला दर्ज, बाइक पर सवार होकर आए थे तीन आरोपी। भरतपुर के पहाड़ी थाना गेट पर धरने का 10वां दिन, पुलिस की कार्यशैली से नाराज क्रेशर संचालक दे रहे हैं धरना, 5 लोग आमरण अनशन पर। चाकसू में नेशनल हाईवे 12 पर टायर फटने से ट्रक पलटा, क्रेन की मदद से हटवाया गया ट्रक, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। डूंगरपुर के आसपुर में साबला वन क्षेत्र में पैंथर का भय, वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर किया मौका मुआयना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। डूंगरपुर के बीछीवाड़ा में ग्रामीणों ने आईआरबी प्लांट के बाहर दिया धरना, NH-8 पर अंडरब्रिज बनाने की मांग को लेकर दिया धरना। डूंगरपुर पंचायती राज विभाग के कर्मियों को लगाई गई कोविड वैक्सीन, जिला कलेक्ट्रेट सहित 8 जगहों पर लगाया जा रहा है टीका, स्वास्थ्य विभाग ने कर्मियों से की टीका लगवाने की अपील। जोधपुर के तेवरी में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, पंचायत समिति के कर्मचारियों को लगाया टीका, 144 कर्मचारियों को लगे टीके। भरतपुर के बयाना में रेल की चपेट में आया युवक, हादसे में युवक की मृत्यु, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। राजसमंद के भीम में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रद्द की होगी जांच, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस से 3 मार्च तक मांगी रिपोर्ट। जिला परिषद वार्ड नंबर 23 की भाजपा प्रत्याशी सीता देवी का नामांकन हुआ था रद्द। अजमेर में चोरों का आतंक, सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मामले की जांच पर जुटी पुलिस। झालावाड़ के डग में वेतन नहीं मिलने से नाराज पटवारी ईश्वरलाल बैठे धरने पर, 4 महीने से नहीं मिला है वेतन, तहसील परिसर में बैठे धरने पर। एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।